हमारा लेसन है 8, पट्टू की सूझबूझ, जो एक शिक्षाप्रद कहानी है। पट्टू है इस कहानी का एक चतुर बालक है, और वो अपनी सूझबूझ से इस कहानी के अंदर एक राजा है उसको कैसे हराता है उसकी कहानी हम देखते हैं। पट्टू है वो बहुत चालाक बच्चा है, और राजा है उसको नई नई कहानी सुनने का शौक है, और जो भी शहर भर से सारे कहानीकार उसको किस्से सुनाने आते हैं, कहानी सुनाने आते हैं, उसको बदले में उसको इनाम देता है। एक दिन राजा को लंबी कहानी सुनने की धुन सवार हो गई, और उसने ऐलान करवाया कि जो मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा, और बदले में उसको सोना मोहर भी मिलेगी, और जो मगर जिसकी कहानी लंबी नहीं होगी उसको मैं एक महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी, एक महीने के लिए वो जेल में डाल देगा, ऐसे बोलता है। तो ऐसे कई कहानी कराए, और बेचारे कहानी कितनी भी लंबी हो फिर राजा बोलता ही रहता है कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी, यह कह कह कर तो कितने कहानीकारों को वो जेल में डाल देता है। फिर एक दिन पट्टू नाम का लड़का है, उसको ये पता चलता है कि राजा ये गलत कर रहा है। फिर वो अपनी बुद्धि और सूझबूझ से उसको एक ऐसी कहानी सुनाता है जिससे राजा बोर हो जाता है, और बोलता है कि अब तुम हार मैं हार गए और तुम जीत गए, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। बदले में वो पट्टू है वो सारे कहानीकारों को छोड़ने की इनाम में मांगता है छोड़ देने को, और बोलते हैं कि आप सब, फिर राजा बोलता है कि तुम्हारे लिए तो कुछ मांगो, तब वो बोलता है नहीं राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छी तरह से राज्य कारभार संभालो और हम सबको खुशी से रखो, यही मेरा इनाम है। फिर राजा उसको अपना मंत्री बना लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि बहुत अच्छा बालक है, चतुर बालक है, उसकी उम्र भी छोटी थी फिर भी उसको उसका मंत्री बना लिया। तो हम आगे देखते हैं इस कहानी को। एक राजा था, उसे रोज नई नई कहानी सुनने की आदत थी। शहर भर से किसे कहानी सुनाने वाले आते और उसे रोज एक नए नए किसे कहानी सुनाते, बदले में राजा उन्हें इनाम देता। किसे कहानी यानी आपको तो पता ही है, और किसे जो कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है उसके बारे में वो किसे बन जाते हैं, वो उसको सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और बदले में उसको इनाम मिलते हैं। एक बार राजा को लंबी कहानी सुनने की धुन सवार हुई, उसने शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी उसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहर भर में ऐलान करवा दिया यानी ढंडेरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे कहाँ लंबी कहानी सुनवाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, मगर जिसकी कहानी लंबी नहीं होगी उसे एक माह के लिए जेल की हवा खानी होगी, एक माह यानी एक महीने के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कहानीकार आए, और उन्होंने राजा को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई, मगर हर कहानी सुनने के बाद राजा कह देता नहीं, यह कहानी तो बहुत छोटी है। देश विदेश और कहीं बड़े बड़े शहर से भी कहानीकार आए और अपने बेचारे अपनी कहानी सुनाते, फिर भी राजा आखिर में बोल ही देता कि यह कहानी तो बहुत छोटी है और जेल में डाल देता। दरअसल कहानियाँ तो बहुत लंबी और मज़ेदार होती थी, किंतु राजा ने सोचा कि कहानी तो सुन ली, अब इनाम देने का क्या लाभ, राजा इनाम नहीं देना चाहता था। इस तरह कई कहानीकारों को उसने कारागार में डाल दिया। जो देखो दरअसल कहानियाँ यानी कहानियाँ तो बहुत लंबी और मज़ेदार होती थी, किंतु राजा ने सोचा कि ये कहानी सुन ली तो अब उसको इनाम भी देना पड़ेगा, और मुँह मांगा इनाम था। कोई कहानीकार अपने मुँह से कुछ भी मांग लेगा तो उसको अंदर डर था कि कहीं कोई कहानीकार ऐसा भी होगा कि बहुत बड़ा इनाम मांग लेगा जो राजा की हैसियत भी नहीं होगी, तो उसको डर था, इसीलिए वो ऐसे ही कुछ बहाना बनाकर बोल देता था कि ये कहानी बहुत छोटी है, और सारे कहानीकारों को जेल में कारागार में डलवा दिया करता था। उसी राज्य में किसान का बेटा पट्टू था। देखो मैंने बोला था ना किसान का बेटा यानी जो खेत में काम करते हैं ना किसान, उसका एक बेटा था, उसका नाम था पट्टू। वह बड़ा समझदार व सूझबूझ वाला लड़का था। लोगों की बातें सुनकर वह समझ गया कि राजा जानबूझकर हर कहानी को छोटा बताकर इनाम देने से बच जाता है,
उसे सोचा कि वह राजा को कहानी सुनाने जाएगा, वह ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म नहीं होगी। सारे लोगों की बातें सुनकर उसको पता चल जाता है कि राजा बहुत चालाक है। राजा जानबूझकर ये कहानीकारों को छोटी कहानी बताकर इनाम देने से बच जाता है, इसको इनाम नहीं देना पड़े इसलिए वो बच जाता है। इसे सोचकर वो राजा को कहानी सुनाने जाएगा और ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब देखो क्या कहानी हम देखते हैं। देखो पटुआया है राजा के दरबार में। पटु कहानी सुनाने के लिए राजा के महल में जा पहुंचा। हर बार की तरह सभी दरबारी और गांव वाले राजा के महल में इकट्ठे हुए। सभी को विश्वास था कि पटु का भी वही हाल होगा जो पहले आए कहानीकारों का हुआ है, यानी वह भी कुछ देर बाद कारागार में पड़ा दिखाई देगा। सब गांव वाले आए थे, सबको पता था कि वो कहानी इतने कहानीकार आए, सबको उसने जेल में बंद करवा दिया, तो ये तो छोटा बालक है, इसकी क्या इसके सामने हैसियत होगी, वो इसको भी जेल में डलवा देगा। अब राजा का आदेश पाते ही पटु ने कहानी सुनानी शुरू की। राजा महाराजा एक गांव में एक किसान था, उसका बहुत बड़ा खेत था, उसमें गेहूं बोए हुए थे। उसी खेत के पास एक पेड़ पर हजारों शैतान चिड़िया रहती थी जो किसान के खेत में से बीज खा जाती थी। एक दिन किसान ने सोचा कि मैं अपने खेत की खुद रखवाली करूंगा और जब चिड़िया का झुंड आएगा तो जाल डालकर पकड़ लूंगा। मगर महाराज चिड़िया भी बड़ी चालाक थी, वे उसकी चाल समझ गई और उन्होंने एक योजना बनाई। उसी योजना के अनुसार एक चिड़िया खेत में आई। देखो वो बोल कहा राजा को कैसे बोलता है कि चिड़िया भी चालाक थी, एक एक चिड़िया आती है, उसने बीज चुगा और उड़ गई। फुर देखो अब कहानी शुरू हुई है। फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा, फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई। फिर तीसरी आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई। फुर राजा बोलता है। फिर राजा ने उबासी ली, वो आलस ऐसे हम जो बोर हो जाते हैं तो बोलते हैं ना, अब क्या होगा। फिर चौथी आई, उसने भी बीज चुगा और उड़ गई। फुर ठीक है आगे क्या हुआ, राजा बोला। वो पट्टू है ना, वो बहुत चालाक था, वो बोला कि चौथी पांचवी ऐसे गिनती गिनवाता जा रहा था और एक एक चिड़िया को ही लेता था। राजा बोलता है ठीक है हाँ बराबर है, आगे क्या हुआ, राजा बोलता है। अब देखो आगे पट्टू बोलता है, अभी पहले सारी चिड़ियों को आने दे महाराज, कहानी तभी आगे बढ़ेगी। फिर पांचवी आई, वो भी उड़ गई। फुर उसकी फुर से उबकर राजा बोला, अब फुर की करता रहेगा, चलो मान लिया कि सारी चिड़िया आई वो उड़ गई। फुर राजा भी उब गया, वो बोल उसको समझ में आ गया कि पटु चालाकी कर रहा है। वो बोला कि उसकी फुर से है उबकर राजा बोला, अब फुर ही करता रहेगा, चलो मान लिया कि सारी चिड़िया आई वो उड़ गई। फुर नहीं महाराज, सारी चिड़िया अभी नहीं आएगी, एक एक करके आएगी, हजारों चिड़िया है। छठी चिड़िया आई और वो भी उड़कर उड़ गई। फुर अब राजा पटु की चतुराई समझ गया है। देखो यहाँ राजा और पटु सामने खड़े हैं ना, देखो पटु कैसा चालाक लड़का है, वो भी बोलता है। राजा को समझ में आ गया कि ये मेरे साथ चतुराई कर रहा है, समझ गए। यह महीनों तक फुर करके चिड़िया उड़ाता रहेगा और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, मैं इसे दंड भी नहीं दे सकता, इसीलिए इसकी कहानी उसकी सबसे लंबी बताकर उसे मुंह मांगा इनाम देने में ही मेरी भलाई है। यह सोचकर महाराज ने कहा, अरे भाई पट्टू, अब तू ये अपनी फुर बंद कर, मैं समझ गया कि तेरी कहानी सबसे लंबी है, अब तू बोल कि क्या इनाम चाहता है। राजा उसको बोलता है, उसको पता चल गया कि इसकी हजारों चिड़िया है और पट्टू है, एक साथ सारी चिड़िया नहीं लेगा, एक एक करके लेगा तो हजारों चिड़िया के बारे में इसे बोलता रहेगा तो महीना भर उसकी ख़त्म नहीं होगी कहानी, इसलिए उसको बोलते हैं कि अब तेरी सबसे लंबी कहानी है और यहाँ ख़त्म कर, और तुझे क्या इनाम चाहिए वो बोल। महाराज मेरा इनाम यही होगा कि आप कारागार में पड़े सभी कहानीकारों को छोड़ दे और उन्हें इनाम देकर विदा करें। महाराज किसी को बिना कारण सताना या सजा देना भी एक अपराध है। देखो पट्टू छोटा बालक है फिर भी उसमें कितनी समझदारी है, उसने कितनी अच्छी बात बोली महाराज को,
कि आपने बिना कारण कहानीकारों को इस जेल के अंदर बंद कर दिया है, उसको सता रहे हो, ये भी एक अपराध है। तो महाराज की आंखें खुल गई। पट्टू की बात सुनकर राजा न केवल प्रभावित हुआ बल्कि अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ। राजा इतने छोटे बालक के पास से इतने ऊंचे उम्दा विचार सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ, यानी खुश हुआ और प्रसन्न हो जाता है, और उसकी गलती पर उसको शर्मिंदा हुआ, वो अपनी गलती पर उसको शर्म आने लगी। राजा ने कहा, पट्टू हम वचन देते हैं कि सभी कहानीकारों को छोड़ दिया जाएगा, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। तो पट्टू बोलता है, महाराज हमारे राज्य में खुशहाली रहे, आपका यश बढ़े, यही मेरा इनाम होगा। जो देखो छोटा बच्चा है फिर भी उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, उसका बड़ा दिल है। देखो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य में हमारे राज्य में खुशहाली रहे, सब खुश रहे, आपका यश बढ़े, यानी आपकी शौर्य गाथा कीर्ति गाथा बढ़े, और यही मेरा इनाम होगा। वाह पट्टू वाह, हम खुश हुए, तुम जैसे समझदार बालक को तो हमारा सहायक होना चाहिए। पट्टू तुम उम्र में छोटे जरूर हो किंतु सच्चे और देशभक्त हो, हम इसी समय से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। देखो पट्टू की सूझबूझ और अपनी बुद्धि और बड़ा दिल देखकर, समझदारी देखकर राजा भी खुश हो गया और बोलता है कि वाह वाह पट्टू तुम तो समझदार हो, और ऐसे बालक को तो मैं अपना सहायक बना लूँगा। और बोलते हैं कि तू उम्र में भले छोटा है पर तू सच्चा और सच्चा देशभक्त है, हमें इसी समय तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। उसको इतनी छोटी उम्र है फिर भी उसको अपना राज्य का मंत्री नियुक्त कर देता है। इसी तरह वह पट्टू अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर राज्य का मंत्री बन गया। देखो पट्टू की चतुराई से दूसरों का काम भी हो गया, उसने सारे कहानीकारों को छुड़वा लिया, उसकी यश गाथा भी बढ़ गई, और बदले में उसकी बुद्धि चतुराई से उसको राज्य का मंत्री भी बन गया, तो उसको बहुत इनाम भी मिला। इसीलिए कहा गया है कि कैसी भी परिस्थिति हो सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो इसमें हमें सीख क्या मिलती है, किसी भी परिस्थिति में हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें कोई भी मुश्किल समय आता है, हर एक के जीवन में कोई कभी ना कभी तो कोई ना कोई कठिन समय आता ही है, तो नहीं हमें उससे डरना चाहिए, लेकिन हमें उस समय से लड़ना चाहिए। हमारी सूझबूझ से वो हमारा जो भी काम अटक गया है या हमारे पर मुसीबत आई है तो हम उसके बाहर कैसे निकलेंगे, वो हमें हमारी सूझबूझ से और बुद्धि से सोचना चाहिए। तो बच्चों आप भी कभी भी आपको कोई परेशानी हो या आप किसी भी मुश्किल में फंसे हो तो उसमें नहीं डर कर उसका डट कर सामना करना चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो मजा आए ना बच्चा, बच्चों इस कहानी से हमें इससे बहुत सारा अच्छा बोध मिला। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। इस कहानी में जो भी शब्द आते हैं वो वर्ड हम देखते हैं, मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग, कारागार, जेल, JAIL, जेल, शर्मिंदा, लज्जित, असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड, यश, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, POPULARITY, पॉपुलैरिटी, परिस्थिति, चारों ओर की स्थिति, तो सिचुएशन, SITUATION, कहानीकार, जो कहानी की रचना करते हैं, तो स्टोरी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर, STORYWRITER, स्टोरी राइटर, OR, पची, SCRIPTWRITER, स्क्रिप्ट राइटर, उत्सुकता, जानने की इच्छा, क्यूरोसिटी, CURIOSITY, क्यूरोसिटी, उबासी, जंभाई, यौन, YAWN, हम बगासी लगाते हैं ना उसको, कभी कभी हमें आलस आती है तो उठने के समय या ना जब नींद आती है तो उसको यौन बोलते हैं, YAWN, वचन, वादा, प्रॉमिस,
PROMISE प्रोमिस। अब हम देखते हैं इसमें भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो नीचे दिए गए वाक्य है उसमें सर्वनाम के नीचे लाइन कीजिए ऐसा कहा है। तो हम पहले देखते हैं कि सर्वनाम मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, फिर भी आज मैं फिर आपको फिर से याद करवाती हूँ। नाम शब्द संज्ञा होते हैं और संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम इस प्रकार भी है। देखो मैं आपको ऐसे आपको पढ़कर सुनाती हूँ और आप समझाती हूँ। मैं, तुम, वह, आप, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, किसे, किसे, किसको, किसका, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम के प्रकार है। अब हम जान गए हैं कि संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम है। जो नाम है होता है उसकी जगह जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ये सब नामों की जगह आ सकते हैं, इनसे भाषा सरल और सुंदर बनती है। सर्वनाम की जगह नाम, सर्वनाम यानी नाम होता है उसकी जगह जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो इस कहानी में देखो, इस वाक्यों में उसे रोज नई कहानी सुनने की आदत थी। तो उसे यानी उस राजा है, तो राजा की जगह यहाँ उसे लिया है। तुम्हें महाराज की शर्त तो मालूम है ना, ये कौन बोलता है, राज्य के लोग, राजा वो सब बोलते हैं। और तुम्हें यानी किसान का बेटा पटु है, उसके लिए तुम्हें शब्द लगाया है। उसका बहुत बड़ा खेत था। मैं अपने खेत की बहुत रखवाली करूँगा। मैं अपने खेत की, देखो मैं है ना वो सर्वनाम है। उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने वो सर्वनाम। तो इस पांचों वाक्यों में उसे, तुम्हें, उसका, मैं, उन्होंने, ये सब सर्वनाम है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नए शब्द बनाइए। तो देखो यहाँ नए शब्द बनाइए यानी दो शब्दों के बीच जो प्लस की निशान है उसको हम हटाकर पूरा एक शब्द बना सकते हैं। वी प्लस देश, उपसर्ग वाले शब्द मैंने बताया था ना आपको, तो उसी तरह है। वी प्लस देश, तो विदेश। मुँह मांगा, तो मुँह मांगा। मुँह प्लस स्थिति, परिस्थिति। महा प्लस राजा, महाराजा। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। देश प्लस भक्त, देशभक्त। यहाँ मूल शब्द और उपसर्ग दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसको नए शब्द बोलते हैं। तो ये ना हमने देखा है ना, आपको देख लिया ना कि किस तरह शब्द बन गए। अब ये तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में काल से मिलान कीजिए। आपको वो भी मैंने समझाया था कि कौन कौन से काल के क्या बोलते हैं। काल यानी समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, चल रहा समय जो पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया चालू है, तो उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। फिर है राम पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसने पुस्तक पढ़ लिया, वो हो गया भूतकाल, तो बीत चुका समय है। राम पुस्तक पढ़ेगा तो अभी उसने पढ़ा नहीं है और पढ़ भी नहीं लिया, पढ़ना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे, भविष्यकाल। तो उसी तरह देख, तो वर्तमान काल जो चल रहे समय का बोध करवाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो बीते हुए समय का बोध कराए उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल जो आने वाले समय का ज्ञान कराए उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो इसमें से आपको पता चल गया ना कि कैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल है। तो उसी तरह हम आपको ये देखते हैं, उसे रोज नई नई कहानी सुनाया करते थे, तो ये भूतकाल हुआ। अब यह भी कारागार में जाएगा, तो ये भविष्यकाल। वह कौन सी कहानी सुनाएगा, वो भी भविष्यकाल। वह लड़का एमी को चिढ़ा रहा है, वर्तमान काल। चिड़िया भी बड़ी चालाक थी, भूतकाल। आपको पता चल गया ना। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो ये लिंग का लिंग परिचय करवाते हैं। जो पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन कैसे शब्द आते हैं उसमें। देखो, लड़का
लड़की, लड़का है वो पुल्लिंग शब्द है और लड़की है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मुर्गा मुर्गी, नाना नानी, भाई बहन, लेखक लेखिका, हाथी हथिनी। तो हमें इसमें पता चल गया कि किसको स्त्री के स्त्रीलिंग बोलते हैं और किसको पुल्लिंग। उसी तरह हम देखते हैं थोड़ा आगे, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, किसका किसकी, उसका उसकी, सबका सबकी आदि जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बस्ता, मेरी गुड़िया, सिर्फ नाम से या किसी वस्तु से ये नहीं पता चलता है कि अगर मेरा मेरी ये सब देख आप वाक्य में पढ़ोगे तो आपको चल आप पता चल जाएगा मेरा होता है तो वो पुल्लिंग में आएगा और मेरी है तो उसमें स्त्रीलिंग आएगा। तो वाक्य पढ़ते समय कोई क्रिया चल रही है उससे सबको आपको पता चल जाएगा। देखो क्रिया से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे कुत्ता आया, बकरी आती है, जो कुत्ता है वो पुल्लिंग में आता है तो उसमें आया आया कुत्ता आया तो आपको पता चल गया कि ये पुल्लिंग है। बकरी आती है तो बकरी है वो स्त्रीलिंग है तो वो स्त्री जाति में आती है तो उसको उसके आगे स्त्रीलिंग आएगा तो आती है हमें पता चल जाता है क्रिया से भी। सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती है, जहाँ सारी नदियों का नाम है वो भी एक स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी ये सब भी स्त्रीलिंग में ही होती है। सभी भाषाएँ, हमारी सभी भाषा है वो भी स्त्रीलिंग में ही है। देखो जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू ये सब भाषा के नाम है और वो सब भी स्त्रीलिंग में ही है। तो अब बच्चों आपको पता चल गया ना सभी नाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। वाक्य में शब्द के प्रयोग से लिंग की पहचान होती है। लिंग दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आपको पता चल गया है कि वो शब्द और वाक्य पढ़ने से भी आपको पता चल जाता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। तो देखो हमारे यहाँ दिया है राजा, तो राजा का राजा है वो पुल्लिंग है तो राजा के साथ स्त्रीलिंग में कौन आएगा, रानी। हमें यहाँ दिया गया है बकेट में लड़की, रानी, महारानी, युवती, नायिका, चिड़िया, तो इससे हम चुनकर पुल्लिंग के सारे नाम दिए हैं उसमें से हमें चुनकर स्त्री और स्त्रीलिंग के नाम लिखने हैं सामने। तो राजा के सामने रानी, लड़का लड़की, महाराज महारानी, नायक नायिका, युवक युवती, चिड़िया चिड़िया। तो बच्चों पता चल गए ना आपको कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, सर्वनाम में आपको अच्छी तरह से याद फिर से करवा दिया। ये जब मैंने व्याकरण का आपको वीडियो भेजा था उसमें भी मैंने आपको सारे भूतकाल, सर्वनाम, संज्ञा सब समझाया था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फिर भी आज मैंने आपको याद करवा दिया है भाषा ज्ञान में। तो आपको मजा आया ना पूरे पाठ में, लेसन में, तो आप ये वीडियो बार बार देखना और पढ़ना तो आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।